जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभायु में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, सर्दियाँ तो अच्छी खासी शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा आज अब मैं आपके साथ एक घरेलू और इजी नुस्खा शेयर करूँ खांसी जुखाम कफ से बचने के लिए और जिनको हो गया है उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी फैमिली के लिए भी हर सर्दियों में ये नुस्खा यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। तो देखिए, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। हनी मैंने डाबर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, और ये छोटा सा अदरक का पीस जिसे मैंने छिलका उतार के धो लिया है। आइए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अदरक के पीस को हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, इस अदरक के ग्रेट करी हुई अदरक को मैं इसका जूस निकालूंगी। देखिए, ऐसे रस में एक बाउल में निकालूंगी इस तरह से। और ये बची हुई अदरक आपको फेंकनी नहीं है, आप इसे सब्जी में, चाय में यूज कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होती है। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने पैन में देखिए थोड़ा सा लगभग एक चम्मच शहद ले लिया है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें एक चम्मच शहद लिया और बिल्कुल हल्की गैस पे लगभग 4 से 5 बूंद में इसमें अदरक के रस की ऐड करूंगी और मैं इसको हल्का सा गुनगुना गर्म होने तक करूंगी। आपको इसको तेज गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना गर्म करना है जिससे अदरक शहद मिक्स हो जाए और शहद थोड़ा सा पिघल जाए। देखिए अब ये हो गया रेडी, ये मेरा तैयार है दोस्तों। आप इसको बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं, ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। शहद एंटीबायोटिक का काम करता है और साथ में अदरक तो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता ही करता है। और शहद, जितनी हम दिन भर में गंदगी अंदर लेते हैं, पॉल्यूशन अंदर जाता है, उसको साफ भी करता है और हमारे पेट को भी प्यूरिफाई करता है। आप इसे इवन छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को आपको इसकी क्वांटिटी कम कर देनी होगी। 1/4 आप शहद लीजिए और उसमें एक बूंद अदरक की डालिए और छोटे बच्चों को रात को सोते समय जरूर दीजिए। मानिए ये बहुत काम आने वाला नुस्खा है और बहुत इजी है। और जिनको खांसी जुकाम हो रहा है उनको आप दिन में 3 बार दीजिए, और जिनको नहीं है पूरी सर्दी आप उन्हें सुबह शाम इसे दवाई की तरह दीजिए। पूरी सर्दी कब निकलेगी आपको पता भी नहीं लगेगा और खांसी जुकाम और कफ आपसे कोसों दूर रहेगा। तो आई होप आपको मेरा नुस्खा पसंद आया होगा, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस को इससे फायदा मिला। ये बहुत ही नेचुरल है और बहुत इफेक्टिव है और मैं पर्सनली यही यूज करती हूँ सर्दी में अपनी पूरी फैमिली के लिए। सो अगर आपको मेरा नुस्खा अच्छा लगा हो तो, अगर और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।